हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की। एजुकेशन की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे स्पेशली मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्रिपरेशन, ओके, द प्रिपरेशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आइडिया है वो चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ही करूँगा, बट हैज ए पेरेंट्स और जिनके बच्चे इस बार 2023 में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपीयर करने वाले हैं, प्लीज़ आप अभी से ही थोड़ा बहुत अपने बच्चों को गाइडलाइन कीजिए, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस टाइम इन द हैंड। ओके, हाथ में बहुत ही कम टाइम है, कितने टाइम बचा हुआ है मुश्किल से आप बताइए। जुलाई तो फिनिश हो ही गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को भी आप काउंट मत कीजिए। स्पेशली क्या होता है कि दिसंबर इज़ ओनली फॉर द पार्ट, रिवीजन पार्ट होता है। दिसंबर में बेसिकली हमें रिवीजन ही करना चाहिए सो दैट जो भी चीज़ हम लोगों ने सीखा हुआ इतने दिन में उसको रिवाइज हो जाए। क्या होता है कि अगर हम रिवीजन क्या होता है कि एक रिवाइटल की तरह काम करता है ना, मतलब आदमी को क्या करता है कि जो चीज़ आपने सीख के रखा है उसको आप रिवाइज कीजिएगा, देन ओनली यू कैन एबल टू प्रोड्यूस द गुड रिजल्ट, तभी गुड रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो टाइम बहुत कम है, 2023 का फर्स्ट वीक के अंदर ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। बेसिकली आप लोगों को डेट पता ही होगा और सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हमेशा फर्स्ट वीक के अंदर ही हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट, जो भी एस्पिरेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है सैनिक स्कूल में, सो दैट दे विल गेट द एडमिशन, देन डेफिनेटली यू हैव टू डू लिटिल बिट, मतलब हार्ड वर्क। तो वो चीज़ को हम समझिए अभी, ठीक है। बच्चे हैं, मुझे भी पता है कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा मतलब कर जाते हैं, बहुत बच्चे उतना मतलब प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमें उस चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत क्या करना है कि कुछ ट्यूशन देके, ओके, अगर आप लोगों के पास कोचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को थोड़ा छोटा मोटा ट्यूशन लगवा दीजिए, थोड़ा बहुत खुद से गाइडलाइन कीजिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को समझिए कि किस तरह का पैटर्न है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज है और हमें किस सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि 300 मार्क्स का पेपर होता है एंड 125 क्वेश्चंस होता है, ठीक है ना। और मैथ्स में क्या होता है कि अराउंड 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक का वेटेज होता है 3 मार्क्स का, तो 50 × 3 150 का तो मैथ्स ही होता है। तो मैथ्स में तो फोकस डालना है सो दैट यू विल मेक द थिंग्स इन योर फेवर, ओके। तो मैथ्स को बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, इट इज़ नॉट इन वन डे दैट यू आर गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर, सो इट्स नीड स्मूथली, ओके, सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस की ज़रूरत है वहाँ पे भी, ठीक है। कीजिए प्रिपरेशंस, कोई भी तरह का डाउट होता है प्लीज़ यू हैव टू कंसल्ट विथ योर टीचर्स, ओके। अगर आप क्लास 5 में हैं तो आपके टीचर्स होंगे ना क्लास 5 में जो पढ़ाते होंगे, उनसे भी गाइडलाइंस लीजिए, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, रीजनिंग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कीजिए, जनरल नॉलेज को भी थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाइए, मैथ्स का तैयारी कीजिए, डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फॉर गेटिंग द सक्सेस, ओके। और इस बार ऑल द बेस्ट, अगेन आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एंड।